दोस्तों 180 करोड़ रुपए का लोन, टूटा स्टूडियो का सपना, क्या इन कारणों की वजह से नितिन देसाई ने की आत्महत्या? तो आइए आपको विस्तार से नितिन देसाई के बारे में बताते हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने बुधवार को सुबह मुंबई के एनडी स्टूडियो में खुदकुशी कर ली। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने मंगलवार देर रात तकरीबन 3:30 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। नितिन ने इतना बड़ा कदम आर्थिक तंगी के चलते उठाया। नितिन देसाई की मौत से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। एक्टर रितेश देशमुख से लेकर परिणीति चोपड़ा तक कई स्टार्स ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। नितिन देसाई मेगा बजट फिल्म्स और टीवी सीरियल बनाते थे। फिल्म मेकर, आर्ट डिजाइनर, सेट डिजाइनर व प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में दुनिया भर में फेमस थे। नितिन देसाई की मौत के बाद कुछ नए खुलासे हुए हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नितिन देसाई ने एक कंपनी में 180 करोड़ का लोन लिया था। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक नितिन देसाई ने जो कर्ज लिया था वो एडलवाइस कंपनी को देना था, लेकिन देसाई यह कर्ज नहीं चुका पाए। नितिन देसाई ने जिला कलेक्टर को प्रस्ताव दिया था कि एडलवाइस कंपनी हमारी कंपनी को खरीद ले, यह कार्रवाई सरफेसी एक्ट के तहत लंबित है। दरअसल नितिन देसाई ने 180 करोड़ के लोन के लिए अपनी कुछ जमीनें गिरवी रख दी थी। सूत्रों के मुताबिक 180 करोड़ रुपए का कर्ज अब बढ़कर लगभग 249 करोड़ रुपए हो गया, जिसे चुकाना जरूरी है। टूटा स्टूडियो का सपना, हाँ, सुनने में आ रहा है कि फाइनेंस कंपनी एडलवाइस कर्ज वसूली के लिए एनडी स्टूडियो का ऑक्शन करने वाली थी। इस वजह से देसाई काफी टेंशन में आ गए थे। करीब 15 साल पहले रिलायंस ने एनडी स्टूडियो का 50% स्टेक पर खरीदा था, पर बाद में अनिल अंबानी की कंपनी खुद ही कर्ज में डूबती चली गई, जिससे एनडी को वर्ल्ड क्लास स्टूडियो बनाने का सपना अधूरा रह गया। दोस्तों, करीब 1.5 महीने पहले की बात है, नितिन देसाई काफी उत्साहित थे अपनी वेब सीरीज महाराणा प्रताप को लेकर, जिसमें लीड स्टार के तौर पर गुरमीत चौधरी नजर आने वाले थे। इस सीरीज को डिज्नी हॉटस्टार पर प्रसारित किया जाना था, जिसमें करीब 30 एपिसोड की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। नितिन देसाई बेस्ट आर्ट डायरेक्टर थे। संजय लीला भंसाली की फिल्में हो या फिर आशुतोष गोवारिकर की, उन्होंने इन सभी के साथ बहुत ही शानदार काम किया है। जिस एनडी स्टूडियो में बिताया 18 साल, वहीं दे दी जान। जिंदगी के साथ नितिन देसाई का ये सपना भी रह गया अधूरा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर आर्ट डायरेक्टर और एनडी स्टूडियो के मालिक नितिन देसाई के जाने से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दुख का माहौल है। 2005 में अपने बनाए हुए एनडी स्टूडियो में ही उन्होंने अपनी जान दे दी। दोस्तों, मशहूर आर्ट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नितिन देसाई की मौत से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सदमे में है। जोधा अकबर से लेकर देवदास तक कई मशहूर फिल्मों के वैभवशाली सेट बनाने वाले इस मशहूर आर्ट डायरेक्टर ने खुद के एनडी स्टूडियो में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मुंबई से 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित एनडी स्टूडियो नितिन देसाई का सपना था। 18 साल पहले 2005 में बनाए गए एनडी स्टूडियो का उद्घाटन बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के हाथों हुआ था। नितिन देसाई का ख्वाब था कि उनके स्टूडियो में इंडियन ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों की भी शूटिंग हो। हालांकि ये सपना पूरा होने से पहले उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, मुंबई के मुलुंड स्थित वामन राव मनोरंजन हाई स्कूल से मराठी माध्यम से पढ़ाई करने वाले नितिन देसाई को शुरुआत से ही आर्ट में रुचि थी। मुंबई के मशहूर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने फोटोग्राफी सीखी और साथ ही साथ LH रहीजा स्कूल ऑफ आर्ट से नितिन देसाई ने अपनी पढ़ाई पूरी की। मशहूर कला निर्देशक नितिन रॉय को असिस्ट करते हुए नितिन देसाई को आर्ट डायरेक्शन से प्यार हो गया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 36 साल के करियर में उन्होंने हम दिल दे चुके सनम, जोधा अकबर, प्रेम रतन धन पायो जैसे कई मशहूर फिल्मों के सेट बनाए थे। दोस्तों, कई टीवी सीरियल्स किए थे प्रोड्यूस। संजय लीला भंसाली, विधु विनोद चोपड़ा, आशुतोष गोवारिकर और राज कपूर हिरानी जैसे कई नामी निर्देशकों के साथ काम करने वाले नितिन देसाई ने खुद भी कुछ टीवी सीरियल और फिल्में प्रोड्यूस की थी। हालांकि अपनी कला के लिए मशहूर ये आर्ट डायरेक्टर बतौर प्रोड्यूसर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। अपनी क्रिएटिविटी के साथ साथ नितिन देसाई शांत स्वभाव और अनुशासन के साथ भी जाने जाते थे। यही वजह है कि उनके काम के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कला क्षेत्र में नितिन देसाई के योगदान के लिए उन्हें 4 नेशनल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर 1999, हम दिल दे चुके सनम 2000, लगान 2002 और देवदास 2003 के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिए गए। नेशनल अवार्ड के साथ साथ 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1 आईफा अवार्ड और 6 स्क्रीन अवार्ड्स भी नितिन देसाई के नाम रहे। दोस्तों,
लाल बागचा राजा का पंडाल बनाते थे नितिन देसाई। पिछले 14 साल से लाल बागचा राजा का पंडाल बनाने की जिम्मेदारी भी नितिन देसाई ने अपने कंधे पर ले रखी थी। लाल बागचा राजा की 75वीं वर्ष पूर्ति पर जब नितिन देसाई को कमेटी ने सेट बनाने के लिए संपर्क किया तो वो तुरंत मान गए। तब से वह हर बार उन्होंने बिना किसी प्रॉफिट शेयर किए ये सेट बनाया था। पिछले साल उन्होंने लाल बागचा राजा के लिए राम मंदिर का भव्य सेट बनाया था। इस साल भी उन्होंने गणपति पंडाल के लिए छत्रपति शिवजी महाराज के राज्याभिषेक का ग्रैंड सेट बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन उनके चले जाने से वो पंडाल अधूरा रह गया। लाल बागचा राजा के बारे में बात करते हुए नितिन देसाई ने कहा था कि उन्हें खुद बप्पा पर आस्था है और वो हर साल लाल बागचा राजा के दर्शन लेते हैं, और यही वजह है कि जब कमेटी ने उन्हें सेट बनाने की गुजारिश की तब नितिन देसाई के लिए ये पलके से सपने से कम नहीं था। कम जगह में भी ये आर्ट डायरेक्टर अपने टैलेंट के बल पर लाल बाग की छोटी सी गली में ग्रैंड सेट बनाते थे। दोस्तों, नितिन देसाई के परिवार में पत्नी नैना देसाई और बेटा बेटी भी। हाल ही में 3 महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई थी। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि नितिन के दिमाग में कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। एक जिंदा दिल इंसान का इस तरह से जिंदगी से विदा लेना उनके करीबियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। दोस्तों, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए किया था काम। राजनीति से दूर रहने वाले नितिन देसाई के सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। अपनी जिंदगी में उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टीज के इवेंट्स और रैली के लिए सेटअप तैयार किया था। उनके निधन के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र सिंह फडणवीस ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल के दौरान नितिन देसाई ने उनके लिए कई राजनीतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की थी। सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, तमाम बॉलीवुड एक्टर्स उन्हें याद कर रहे हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार से लेकर रितेश देशमुख तक बॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने नितिन देसाई को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। अपने दोस्त के निधन की खबर सुनते ही अक्षय कुमार ने OMG 2 का ट्रेलर लॉन्च पोस्टपोन कर दिया है। स्टूडियो विजिट करवाने लगे थे नितिन देसाई। सूत्रों की माने तो एक समय करोड़ों रुपए सीरियल के सेट और एक्टर्स के गहनों पर खर्च करने वाले कामयाब और काबिल आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आर्थिक हालत कुछ इस तरह से बिगड़ गई कि उन्होंने अपना ND स्टूडियो सभी के लिए खुला कर दिया। 1,000 रुपए के टिकट पर स्टूडियो की टूर होती थी, जहां खुद नितिन देसाई लोगों से मिला करते थे। शादी और पर्सनल फंक्शंस के लिए स्टूडियो की जगह रेंट पर दी जाती थी। उनका जिंदगी के रंगमंच से इस तरह से एग्जिट लेना सबके लिए शॉकिंग है। दोस्तों, नितिन के आत्महत्या की वजह क्या? 249 करोड़ का कर्ज, स्टूडियो से बेदखल होने का डर या कुछ और? अपनी कालजयी फिल्मों के लिए 4-4 सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके नितिन चंद्रकांत देसाई का असमय निधन हिंदी सिनेमा की दशा और दुर्दशा दोनों की तरफ एक बहुत दुखद संकेत है। दिखावे की जिंदगी में मस्त रहने वाले हिंदी सिनेमा के तमाम फिल्मकारों और उनकी कंपनियों का ये कड़वा सच है। और ये भी सच है कि बेइंतहा कर्ज में डूबने के चलते ही नितिन देसाई कई हफ्तों से मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं। अपनी जान लेने का उनका फैसला भी इसी की परिणति माना जा रहा है। गोविंद निहलानी के धारावाहिक तमस से जुड़कर ऐतिहासिक कहानियों को फिल्माने की बारीकियां सीखने वाले नितिन देसाई ने धारावाहिक चाणक्य में कला निर्देशन का काम बीच में पकड़ा था। हिंदी सिनेमा के दर्शकों को उनका काम पहले पहल विधु विनोद चोपड़ा के फिल्म 1942 से लव स्टोरी में भाया। इसके बाद लगान, स्वदेश और देवदास जैसी फिल्मों ने उनकी समय के हिसाब से सेट्स बनाने की कला का नाम देश दुनिया में मशहूर कर दिया। स्लम डॉग मिलेनियर की फिल्म में हुई शूटिंग के लिए KBC के सेट भी उन्होंने ही बनाए थे। दोस्तों, नितिन चंद्रकांत देसाई ने महाराष्ट्र सरकार से जमीन लेकर मुंबई से काफी दूर कर्जत में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर एक विशालकाय स्टूडियो की स्थापना की। यहीं पर फिल्म जोधा अकबर की शूटिंग हुई। फिल्म का सेट उन्होंने हटाया नहीं और इसी ने फेर बदल करके बाद में कई टेलीविजन धारावाहिकों की शूटिंग यहां चलती रही। बता दें कि नितिन के ऊपर इन दिनों करीब 252 करोड़ का कर्ज था और इसकी वसूली के लिए स्थानीय प्रशासन से मिलकर वित्तीय कंपनियों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। नितिन को अंदेशा था कि उन्हें एक दिन स्टूडियो से बेदखल होना ही पड़ेगा और इसी तनाव के चलते उन्होंने खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक नितिन देसाई की कंपनी एनडी आर्ट वर्ल्ड लिमिटेड ने ECL फाइनेंस से साल 2016 और साल 2018 में कुल मिलाकर 185 करोड़ का कर्ज लिया था। कोरोना काल से पहले ही इसके भुगतान में दिक्कतें आने लगी थी। जनवरी 2020 में शुरू हुई इन दिक्कतों के बारे में नितिन चंद्रकांत देसाई के कुछ अभिन्न मित्रों को ही जानकारी है। दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। तो अब अपने दोस्त एंड होस्ट
शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।